राम राम गाइस। तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदी फैमिली। तो गाइस काफ़ी टाइम के बाद ये ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, और आज की जो ब्लॉगिंग है तो हॉस्पिटल की है, क्योंकि मैं खुद ही जा रहा हूँ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में। तो कुछ दिन से मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, तो सोच रहा कि आज चेकअप करके दिखा के लाऊँ डॉक्टर को क्या है नहीं है। अब चलिए चलते हैं और जाके देखते हैं अभी डॉक्टर क्या रिपोर्ट निकालते हैं क्या नहीं। तो चल रहा हूँ, तो बस अभी ये देख सकते हैं मेन रोड के सामने में खड़ा हूँ। तो अभी लगभग 10 बज रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाने के बाद ही आप लोग को धीरे धीरे एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे लाइन लगाना है। उसके बाद जैसे आपका नंबर आता है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या बीमारी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लोग को देना है। देने के बाद यहाँ से आप लोग को एक मतलब फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में आप लोग को एक नंबर रहेगा कौन सी केबिन में कौन सा डॉक्टर को आपको चेकअप कराना है। तो जैसे कि मुझे 7 नंबर दिया गया है, तो अभी मुझे ढूंढना है 7 नंबर किधर है, तो उसके बाद मैं अपने डॉक्टर को दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। हेलो, हाँ मम्मी, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? पुलिस वाला पूरा दिखो ना, पूरा दिखो। जिस ट्रीटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे आया था सिविल के लिए, तो यहाँ पे मुझे एक टिकट मिल चुका है जो कि 10 रुपये लेते हैं। और मेरा जो डॉक्टर चेकअप करने वाले हैं, जिस डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ, तो ये 7 नंबर केबिन है। तो अभी ढूंढ रहा हूँ 7 नंबर कहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं 7 नंबर किधर है। काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे नंबर है, तो 7 नंबर के मिल चुका है। तो देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं, और जो मुझे एक था वो फॉर्म में यहाँ पे जमा कर दिया हूँ, और जब मेरा नाम आएगा तब मुझे बुलाया जाएगा, तब मैं जाने वाला हूँ। तो गई 7 नंबर में चेकअप करने के बाद ये 2 नंबर और दिया गया है, जो कि 24 नंबर और 17 नंबर। तो अभी फिलहाल पास जाना है 24 नंबर पर, जो कि एक्सरे है, और दूसरी है 17 नंबर। देखते हैं दोनों में जा के। तो काफ़ी लंबा भीड़ है, बहुत टाइम लग जाएगा फिलहाल। तो अभी 1:30 बज ही चुका है, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, पता नहीं अभी क्या रिपोर्ट निकलने वाला है क्या नहीं निकलने वाला, तो ये 2 टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चले चलते हैं 24 नंबर ढूंढते हैं। आज दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ, कल सुबह बुलाए हैं 9 बजे, एक जगह पर 9 बजे और एक जगह पर 10 बजे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ घर, और फिर कल आएँगे, कल क्या होता है क्या रिजल्ट निकलता है कल पूरा डिटेल आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और अभी यहाँ से जा रहे हैं। The next day. तो राम राम गाइस। तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदी फैमिली। तो गाइस जैसे कि कल मैं गया हुआ था हॉस्पिटल में, तो एक्सरे के लिए और एक जगह पे दिया हुआ था, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो कल तो नहीं हो पाया, तो आज फिर 9 बजे बुलाया है एक्सरे के लिए। तो फिर अभी जा रहा हूँ, आज 25 में है, कल 24 में था। तो चले चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है एक्सरे करने के बाद, क्या रिपोर्ट निकलता है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, पूरी इस ब्लॉग में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड तक बने रहना। तो गाइस कल जो मुझे एक फॉर्म दिया गया था, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, डॉक्टर ने जो दिया था, तो आज मैं ये एक्सरे पे के पास आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 24 नंबर है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्म जमा देना है यहाँ पे, तो मैंने जमा दे चुका हूँ, और मेरा जो नंबर है वो है पे। तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो तब तक देखिए हॉस्पिटल की गार्डन को बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है, ब्लॉक्सफुल भी है इसमें, और ये साइड में लाइन लगी हुई है, फिर दे रहा है। और मैं इस साइड में आके बैठ गया हूँ,
क्योंकि अभी मेरा टाइम काफ़ी लंबा है, क्योंकि अभी फिलहाल 7-8 नंबर चल रहा है चेकअप में एक्सरे के लिए, मेरा तो 25 है, काफ़ी टाइम लगेगा तब तक मैं तो बैठ के आराम कर लेता हूँ। और आप लोग करते रहिए, देखते हैं आगे आगे और क्या होता है और कितने टाइम तक बैठा रहना पड़ता है। तो चलिए, दोनों टेस्ट जो है मैंने दे दिया है, तो रिपोर्ट अभी नहीं और 2 दिन के बाद यानी सोमवार को मिलने वाला है, तो देखते हैं अभी रिपोर्ट क्या आने वाला है सोमवार को, फिर आएंगे और उसके बाद आप लोग को दिखाना है सोमवार को क्या रिपोर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। कल आया था, कल नहीं हुआ, फिर आज हुआ टेस्ट दिया दोनों का, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ, मतलब घर जा रहा हूँ, तो रिपोर्ट आ चुका है, जवाब दे दिया है डॉक्टर ने। ऐसा लगा मेरा मजाक? नॉर्मल ही है, रिपोर्ट सब कुछ सही है, बस क्या है ना गर्मी में थोड़ा ज़्यादा ठंडा पी लिया था ना, तो ठंडे की वजह से थोड़ा सा जो कफ है वो थोड़ा सा जमा हो गया था, उसके लिए हल्का फुल्का सा दवाई दे दिया है, बाकी और कुछ नहीं है, रिपोर्ट ओके है। अभी जा रहा हूँ घर, तो आज की ब्लॉगिंग यहीं एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।